everyone, welcome to the session. आज की क्लास च आपा सिखांगे इंग्लिश नु किवें इंप्रूव किया जा सकता है, किवें कुछ नवे वर्ड्स फ्रेजेस आपा यूज कर सकते हैं। तो इहदे विच टॉपिक हैगा कि किस चीज नु छड़ के केड़े वर्ड्स आपा यूज कर सकते हैं, जिवें गो टू स्लीप, ठीक है, सोन जाण दी थां ते जे तुसी कहना चाहते हो किसी नु, तुसी कहोगे हिट द सैक। दूजा वेरी कॉमन दी थां ते तुसी कह सकते हो डाइम अ डजन, मतलब बहुत आम जब कोई चीज होंगी तो आपा कहने डाइम अ डजन। स्टॉप वर्किंग कॉल इट अ डे, जब तुम कहते हो भी चलो हम काम करना बंद करते हैं, बहुत लेट हो गया है, फिर शुरू करांगे, तो तुम कहते हो लेट्स कॉल इट अ डे, खत्म करो। डोंट गिव अप, हैंग इन देयर, मतलब अजे हार ना मनो, तो आप कह सकते हैं हैंग इन देयर, जारी रखो। आउट ऑफ कंट्रोल, ये कहने की थान कह सकते हो आउट ऑफ हैंड, मतलब हथों बाहर जा चुकी है चीज। ईजी ऑप्शन की थान पर कह सकते हो बेड ऑफ रोजेस, मतलब आसानी नाल जब कोई चीज कर सकते हो। वेरी ईजी, एदी थां ते तुसी कहना इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान हैगा, उदी थां ते तुसी कहना पीस ऑफ केक। मिस द चांस, मिस द बोट, जे तुसी कोई चांस मिस करता तो तुसी अंग्रेजी वधिया च कह सकते हो ओ ही मिस द बोट। इन ट्रबल दी थां ते तुसी कहना इन हॉट वाटर, यानी मुसीबत विच जब आपां कहना चाहते हैं इंग्लिश दे विच तां तुसी कह सकते हो ही इज इन हॉट वाटर। I hope you like the video. Like, share, subscribe करना ना भूलो। Bye bye.